श्री आदिवीर वात्सल्य संस्थान बिलनगंज के तत्वावधान में तीर्थंकर महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण वर्ष एवं चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज के 100वें आचार्य पदारोहण वर्ष के उपलक्ष्य में एक नवीन परमार्थिक परामर्श सेवा चिकित्सालय का शुभारंभ 16 जुलाई को आगरा स्थित बिलनगंज में किया गया। चिकित्सालय का शुभारंभ भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एवं आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री आदिवीर वात्सल्य संस्थान बेलनगंज के मुख्य संयोजक गोपीचंद जैन को इस नेक कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। ये बात है कि श्री आदिवीर वात्सल्य संस्थान परमार्थ सेवा परामर्श चिकित्सा केंद्र का शुभारम्भ हुआ है, जिसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे शहर नहीं देश के सुप्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर पारिक साहब कर रहे हैं। बैनारा साहब यहाँ पर हैं और यहाँ पर लगभग निशुल्क ही ना के बराबर टोकन मनी के रूप में आप बोर्ड पे देखें कितने एमएस और एमडी लोग यहाँ पर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मैं आगरा के लोगों से कहना चाहूँगा और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं कृपया यहाँ पर बेलनगंज के इस अस्पताल में आएँ और 50 रुपये में टॉप क्लास के एक्सपर्ट एमडी एमएस डॉक्टरों से अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं। नवीन परमार्थिक परामर्श सेवा चिकित्सालय उद्घाटन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पारिक ने कहा कि इस चिकित्सालय में मरीजों को निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श कुशल डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा। इसको सेवा संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया है, ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर अच्छे अच्छे एमिनेंट डॉक्टर्स चिकित्सक सर्जन अपनी सेवाएं ऑलमोस्ट निशुल्क देंगे, बहुत थोड़े से पैसों की फीस लेकर के, जो कि हर एक की रीच से संभव है। ये बहुत खुशी है, मेरी ये कामना है कि ये संस्थान विभिन्न आयामों में प्रगति करे। आदिवीर वात्सल्य संस्थान जो इस क्षेत्र में खुली है, अपने आप में एक बहुत बड़ी महान काम किया है श्री गोपीचंद जैन जी ने, जिन्होंने अपने निवास में इस संस्थान को बनाया है। और मैं अपने क्षेत्र की तरफ से, समाज की तरफ से बहुत बहुत उनको धन्यवाद कि उन्होंने गरीबों के लिए इस संस्थान का यहाँ पे खोला है। नवीन परमार्थिक परामर्श सेवा चिकित्सालय उद्घाटन कार्यक्रम में बैनाड़ा उद्योग के निदेशक विभू बैनाड़ा के साथ शहर भर से सकल जैन समाज के प्रबुद्ध जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।